दरभंगा के सिमरी थाना इलाके के डोलकनिया शमशान घाट के पास बाइक सवार तीन अपराधी ने सुदामा ज्वेलर्स के मालिक अमरनाथ ठाकुर की बाइक का पहले पीछा कर ओवरटेक किया और आगे एक सुनसान जगह पुल के पास आकर रुक गया। जैसे ही अमरनाथ ठाकुर अपने बेटे के साथ बाइक से अपराधी के नजदीक पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधी ने पिस्तल निकाल हवा में फायर करते रुकने को कहा, लेकिन अमरनाथ ठाकुर का बेटा बाइक को और तेज कर भागने लगा। इसके बाद अपराधी दो फायर और किया, लेकिन तेज गति से बाइक भगाने के चक्कर में अमरनाथ ठाकुर की बाइक गिर गई। इसके बाद पीछे से तीनों अपराधी उनके पास पहुंच गए। फिर पिस्तल की नोक पर अपराधियों ने पहले पॉकेट से सभी रुपए छीन लिए, फिर बाइक की चाबी निकाल डिक्की खोलकर रुपए और गहने रखे बाइक को भी ले लिया, मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इसकी सूचना सिमरी थाना पुलिस को दी गई। सिमरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू की तो घटना स्थल से दो खोखे भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि उजले रंग की एक पल्सर बाइक पर तीनों अपराधी मास्क लगाए हुए थे और सभी की उम्र तकरीबन 25 से 30 वर्ष के आसपास थी। घटना सोमवार की शाम की है, जब तकरीबन 7 बजे के बाद अमरनाथ ठाकुर सिंहवाड़ा में स्थित अपनी दुकान सुदामा ज्वेलर्स को बंद कर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अपराधी ने मौका पाकर घटना को अंजाम दिया और तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा के नगद के अलावा 1,00,000 से ऊपर की ज्वेलरी को लूट कर भाग खड़े हुए। घटना की पुष्टि खुद दरभंगा के सिटी SP अशोक कुमार चौधरी ने की है। सोमवार की देर रात की मामला है, दुकान बंद करके लौट रहे थे अपने बाइक से अपने साथी के साथ, तो बाइक पर सवार तीन अपराधियों द्वारा यह घटना कारित किया गया है। इसमें सारा टीम लगा हुआ है, जिस दिन के बाद संभव लगता है। क्या कुछ लूटकांड में जो हुई है घटना, क्या घटना है कि वो एक बैग में जो उनका बैग था उसमें 1,00,000 रुपया और कुछ ज्वेलरी था, कान का बाला एक पेयर और चांदी का पाया, यही ले गया लोग। सबको खंगाला जा रहा है, खंगाल करके भुगतों की पहचान की जा रही है। हम लोग दुकान से आ रहे थे, हाँ, तो यहीं धुरकारा के पास में जी मुरघटिया है, यहीं पर शमशान घाट के पर चूल्हा है, चूल्हा पर जो है सो हमारा पीछा कर लिया, हाँ, पीछा करके जो है सो एक फायरिंग कर दिया, हाँ। हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तब वो फायरिंग किया, आगे आकर के हम लोग गिर गए तो वहाँ पर भी वो फायरिंग किया, डिक्की से चाबी ले करके डिक्की खोल के बैग मेरा ले लिया और जेब में जो पैसा था मोबाइल था ये सब भी ले लिया। कितना पैसा लिया था? पैसा तो जेब में का वही 4,000-5,000 होगा। बैग में क्या क्या चीज़ था? बैग में है थोड़ा सामान सब है और 1,00,000 रुपया भी है। सामान का कीमत लगभग कितना होगा? सामान का कीमत लगभग 1,00,000 के करीब होगा। 1,00,000 के करीब। घटना कै बजे हुआ था? घटना वही 7:40 हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ ठाकुर। पूरे देश में उड़ान योजना के तहत शुरू हुए हवाई अड्डे में सबसे सफल दरभंगा हवाई अड्डे से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी और सामने आई है, जिसमें अब यह तय कर लिया गया है कि दरभंगा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा निकट भविष्य में बनेगा और इसके लिए भारत सरकार और उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए न सिर्फ हरी झंडी दिखाई बल्कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तेज पर विस्तार करने के लिए फिर से बिहार सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मांग भी कर दी है। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने भी की है। उन्होंने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तर्ज पर अब विस्तार किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः रनवे के विस्तार करना एक प्रमुख काम है। इसके अलावा वैसे सभी सुविधा भी दरभंगा हवाई अड्डे पर शुरू की जाएगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमूमन मिलती है। उन्होंने बताया कि उन्हें पात्र मिला है कि खुद अपने प्रयास कर जल्द से जल्द वे दरभंगा में भू अर्जन की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय नहीं बताया, लेकिन यह बात तय दिखाई देती है कि दरभंगा हवाई अड्डे की आने वाले समय में न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि इसकी तकदीर भी बदल जाएगी। लगातार एक के बाद एक दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर खुशखबरी मिल रही है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले 20 अक्टूबर को ही देश के प्रधानमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे टर्मिनल बिल्डिंग का आधारशिला
वाराणसी से वर्चुअल रूप में रखा था। इसके कुछ दिन बाद ही यह जानकारी मिली कि जिस हवाई रूट पर एक विमान कंपनी का समेत था, अब वह दूसरे विमानन कंपनी को भी उड़ान भरने की इजाजत मिल गई है और 1 दिसंबर से स्पाइसजेट के अलावा अब इंडिगो भी दरभंगा से दिल्ली और दरभंगा से मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। 2 कंपनी के आने से हवाई टिकट की कीमत में भी थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। अभी जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है निदेशालय से, जिसमें मांग की गई है 90 एकड़ अतिरिक्त जमीन के को चिन्हित करके उसका प्रस्ताव भेजने के लिए। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो हमारा रनवे है उसका एक्सटेंशन और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दिशा में जो कार्य है उसके लिए, तो हम लोग उसको बना करके प्रस्ताव भेज रहे हैं। अधियाचना प्राप्त होने के बाद शीघ्र जिला स्तर पर जो भू अर्जन की कार्रवाई है उसको हम लोग द्रुत गति से पूरा करने का काम करेंगे। कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया सर इस काम के लिए? लिखित में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन भू अर्जन के लिए जो स्टेच्यूटरी पीरियड होता है हम लोग नोटिस निकालते हैं, अधियाचना प्राप्त होने के बाद उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद अधिघोषणा अधिसूचना ये सारी प्रक्रिया होती है और उसके लिए कुछ स्टेच्यूटरी पीरियड होता है लोगों को अपना बात कहने के लिए, दावा आपत्ति इत्यादि के लिए। तो मोटा मोटी उसमें जो मिनिमम टाइम लगता है हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में भोजन की प्रक्रिया हम लोग पूरा। क्या क्या बताया गया सर पत्र के माध्यम से, अब जो रूपरेखा तैयार होगा उसमें कितना जगह रनवे का होगा, क्या कुछ इस तरह का कुछ है ऑफिस के लिए आया गया? अभी वर्तमान में हम लोगों का जो टारगेट है वो रनवे एक्सटेंशन का है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड रहता है उसके अनुकूल जो लंबाई चाहिए उतना हम लोग पूरा करने के लिए उसमें कर रहे हैं। 90 एकड़ और अतिरिक्त जमीन अर्जित करने के लिए हम लोग जो जमीन है उसका चिन्हीकरण का काम अभी किया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 14 गंगवाड़ा ब्रह्मस्थान का तालाब में जलकुंभी लगा हुआ है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि छठ पूजा अब काफी करीब आ चुका है लेकिन अभी तक इस तालाब की साफ सफाई नहीं हो सकी है। भले ही दरभंगा नगर निगम लाख दावे कर ले छठ पूजा को लेकर साफ सफाई करने का, लेकिन हकीकत यही है कि छठ पड़वाते आते कुछ न कुछ कमियां रह जाती है और कई ऐसे घाट छठ घाट या पोखर तालाब है जहाँ सफाई की स्थिति जस के तस बनी रहती है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं गंगवाड़ा ब्रह्मस्थान की, जहां मीडिया के लोग पहुंचे तो यहां के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए शिकायत की कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का युवा वार्ड नंबर 14 है, यहां साफ सफाई की स्थिति नदारद है और इसमें छठ पर्व करने वाले लोगों का यह बयान है, यहाँ का तालाब जलकुंभी और कचरों से भरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम के सफाई कर्मी सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। मजबूरी में हम लोगों को बगल में तालाब रहते हुए भी दूसरी जगह पर महापर्व मनाने जाना पड़ता है। जी बतलाइए कौन तालाब है? और ये तालाब गंगवाड़ा ब्रह्मस्थान का नगर निगम में पड़ता है 14 वार्ड में, ठीक है। इसमें पहले चारों बगल छठ होता था, इसके बाद जो है इसमें जो है चारों बगल से नाला उला अग्निमुत्री का पानी इसमें गिरने लगा, जैसे पैर देता है तो आदमी एक डांट जो है नीचे भर जाता है, कितना गंदगी के बारे देख ही रहे हैं कि कितना मतलब कचरा है वो तो दिख ही रहे हैं। उसके बाद भी जो है अब आदमी हम लोग तो कैसे कैसे छठ पहले मनाते थे इसमें, अब नहीं मनता आदमी चालू तो, ठीक है। उसके बाद जो है अब सोच रहे कि अब कहाँ जाए हम लोग, अब कहीं मतलब है ही नहीं है जगह छठ करने का, जो भी है वहाँ जाते हैं तो 1000-1500 ऐसे मांगता है, लेकिन इसमें भी जो है दिक्कत होता है, इतना दिक्कत इतना परेशानी होता है डालर ले जाने में ऐसे उससे फंदा चिन्ना। नगर निगम या इस वार्ड के जो पार्षद हैं उस तरफ उनके तरफ से साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं हुआ? तो पहले जो जैसे मतलब था तो क्या करता था जो ये कुम्भी सब है सबको हटा देता था, इन बहुत परेशानी होता है, अब नहीं हो पाता है। हम लोग चंदा करके मतलब हाँ हम लोग अपना पैसा चंदा करके जो छठ करते 10-15-20 भर है यहाँ पे 100-200 रुपया लिए साफ उफ करवे करवाया डोलर मट्टी उट्टी हम लोग जो है अपने ही गिराते थे ये लोग, पानी में खड़ा होता है खुजली हो जाती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाब कुमार पासवान हुआ। कहाँ? गंगवारा घर। गंगवारा घर हुआ, मैं बगल में जो घर है नगर निगम के, नगर निगम के साफ करे ना, नगर निगम के पोखरी नहीं ना है, पोखरी है सिंहबारा वाला के।
अहाँ सब छठ कत कर अखनो छठ हो पावरहाउस के पोखरी बंद कर दिल गाछी ने खत्ता क के 500 रुपया ले जा कल ये समय हो दू साल से नहीं ना करे नहीं अभी तो देखियो ना की करब गोर धरबे की मुँह में देते की नहाते गंदगी है में ज्यादा की नाम भेल अहाँ के हमार नाम राजू है घर कहाँ भेल यही पर गंगवारा दरभंगा शहर का विकास केंद्र और राज्य प्रायोजित विकासात्मक योजनाओं के कारण आज देश स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि पारदर्शिता के साथ धरातल पर अमल में लाया जाए। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नगर आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता से उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में पार्टी नेताओं के साथ भेंट कर एक समीक्षा बैठक में यह बातें कही हैं। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने नगर आयुक्त के साथ चर्चा के क्रम में शहर में बन रहे सभी आरओबी निर्माण कार्यों के साथ अन्य विकासात्मक योजनाओं की सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाए। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दीपावली एवं छठ पूजा को देखते हुए विभिन्न घाटों की साफ सफाई, निर्बाध बिजली की आपूर्ति, सड़क पर जाम से मुक्ति के लिए सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर पहल करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए आमजनों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने नगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम के सभी पार्षदों से आग्रह करते हुए कहा कि वे सभी आपसी समन्वय तथा सहयोग से इन सभी मुद्दों पर ध्यान दें। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता उदय शंकर चौधरी, जिला महामंत्री अभयानंद झा, उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू पारसनाथ चौधरी, कृष्ण भगवान झा, विकास विवेक चौधरी, आशुतोष झा, पुरुषोत्तम सिंह आदि मौजूद थे। दीपावली पर्व के मौके पर दरभंगा में भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति की जमकर खरीदारी करते लोग नजर आ रहे हैं। वहीं दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग उत्साह के साथ जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम दीपावली के मौके पर बाजार की अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों और विक्रेताओं से भी हमने बात की तो इस साल के अच्छे व्यवसाय को लेकर उनके चेहरे पर काफी खुशी भी दिखी। क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। दीपावली पर्व को लेकर कैसा मार्केट चल रहा है? बहुत बढ़िया रहा इस बार। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद थी और किस तरह से ये ग्राहक आ पा रहे हैं? उम्मीद से बढ़ के दुकानदारी रहा, ग्राहक भी बहुत बढ़िया चला, सामान सब भी टोटल सब भी किया। पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष कैसा रहा? पिछले साल से बहुत बढ़िया रहा इस बार। किस इलाके की दुकान है ये? आपको पाली राम चौक लहरियासराय। किस चीज की दुकान है ये? आपको पूरा सजावट पटाखा सब चीज की, जो भी सजावट मूर्ति कपड़ा माला यानी मिला जुला के अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर है दरभंगा और मधुबनी के लिए उषा, चांदी सारंग, महाराजा वाइल्ड लाइन, अकाई एंड हैवेल्स। अब पिछले चार दशकों से जो हम लोगों ने कस्टमर्स को सर्विस दिया दीपों के इस महान पर्व दीपावली में, सभी ग्राहकों ने हमें काफ़ी उत्साहपूर्वक सहयोग किया है। सभी लोगों को धन्यवाद। मिथिलांचल वासियों को दीपों के पर्व, महान पर्व दीपावली एवं आस्था का पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या ऑफर रहा इस बार? हम लोगों ने कैश डिस्काउंट, स्क्रैच कूपन, नेक्स्ट परचेजिंग के लिए भी हम लोगों ने इस बार एक नया डाला है जो कि इलेक्ट्रॉनिक में एकदम नई। दरभंगा जिला में आए दिन कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल की चोरी की घटना होती रहती है। अक्सर ऐसी सूचना मिलती है, कभी चोर पकड़ा भी जाता है तो कभी चोर भाग जाता है और कभी चोर चोरी करते हुए भी पकड़ा जाता है। ऐसे ही एक घटना बीती रात दरभंगा में सामने आई है, जहां कुछ नाबालिग चोर मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सुरक्षा बल के जवान ने
उसे धर दबोच और आगे की कार्रवाई की जा रही थी। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीती रात धनतेरस के मौके पर दरभंगा के लहरियासराय स्थित कमर्शियल चौक के पास के इलाके में संदिग्ध अवस्था में 3 नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल को लेकर भाग रहे थे, जिसे पुलिस सुरक्षा बलों की टीम ने पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि इन 3 को लहरियासराय थाने के हवाले कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की सूचना थी। हालांकि धनतेरस और आगे आने वाले पर्वों को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन भीड़ को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में चोरी करते हुए 3 नाबालिग लड़के जो पकड़े गए उन्हें लहरियासराय थाना के हवाले कर दिया गया। कहाँ घूम रहे थे? यहाँ भैया क्या बोले? मोटरसाइकिल लेकर किसका चोरी किए हो? किसका लेके भागे हो? भैया गाड़ी से यहाँ आते, गाड़ी चाबी दे दिया था भैया। हाँ भैया बोले ठीक है, आने दो भैया। क्या नाम है जी तुम्हारा?